नमस्कार साथियों, अभी हम लोग उपस्थित है आपका चैनल एग्जाम टूर पर। इस चैनल के माध्यम से बताएंगे कि अभी जो अग्निशामन अग्निशमन सेवा यानी कि फायरमैन का जो एग्जाम होने वाला है उसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, कब आपका लिखित प्रश्न एग्जाम होगा, किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न रहेंगे और कैसे आपका रिजल्ट आएगा, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बता दें कि बिहार अग्निशमन सेवा जो है यानी कि फायरमैन का लिखित परीक्षा होगा। 2 घंटा समय दिया जाएगा आपको, 100 प्रश्न पूछा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर के रहेंगे यानी कि 100 अंक होगा। पाठ्यक्रम में देखिएगा तो आपका हिंदी रहेगा, अंग्रेजी रहेगा और गणित रहेगा अर्थात मैथमेटिक्स, और सामान्य ज्ञान और समाज विज्ञान दोनों अलग अलग चीज है और विज्ञान भी रहेगा। उसके बाद सामान्य ज्ञान एवं करेंट यानी कि समसामयिकी और करेंट भी आपसे रहेगा। हिंदी और इंग्लिश 10-10 नंबर के रहेंगे यानी कि 20 नंबर, ये बाकी सब रहेगा 20-20 नंबर का यानी कि 80 नंबर का आपका लिखित। टोटल मिलाएंगे तो 100 नंबर का लिखित परीक्षा होगा, 100 प्रश्न रहेंगे। उसके बाद बता दें यदि किसी भी व्यक्ति को लिखित एग्जाम में 30% से कम आता है तो उसको फेल माना जाएगा। जैसे 30% से जितना का अधिक रहेगा सबका देखकर कट ऑफ निकाला जाएगा, उस पर लिया जाएगा। 30 से कम है तो उस पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। 5 गुना या 7 गुना रिजल्ट दे सकता है, 5 से 7 गुना तक रिजल्ट आपका रहेगा। इसके बाद बता दें कि इसका एग्जाम संभावित डेट जो है ये 29 अक्टूबर 2021 है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि 29 अक्टूबर को एग्जाम होगा। 29 अक्टूबर, अगर गलती से कुछ बोल दिए तो उसे क्षमा प्रार्थी हैं, 29 अक्टूबर को एग्जाम होगा। इस स्थिति को यानी कि इस समय को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी कीजिए, और यदि एग्जाम नहीं भी होता है तो आपका तैयारी रहेगा, आगे होगा 100% आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद शारीरिक योग्यता के बारे में थोड़ा सा आपसे चर्चा कर लें तो इसमें दौड़ होगा, दौड़ जो 50 अंकों का होता है। उसमें क्राइटेरिया है कि आप इतना मिनट में दौड़िएगा तो इतना अंक मिलेगा, इतना मिनट में दौड़िएगा तो इतना कम हो जाएगा। गोला फेंक होता है, उसमें भी होता है कि इतना दूरी गोला फेंकिएगा तो आपको 25 अंक मिलेगा, इससे कम फेंकिएगा तो 17 अंक 12 अंक, इसी तरीके से मिलता है। ऊंची कूद में भी उसी तरह होता है। इस पर शारीरिक जो योग्यता है उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाकर आप लोग को मैं पुनः यानी कि इसका पार्ट 2 आप लोग के समक्ष पेश करूंगा। सबसे पहले बता दें आपसे कि यदि करंट अफेयर की तैयारी करना है तो मेरा एग्जाम टूर चैनल पर आप करंट अफेयर की तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको हिंदी की भी तैयारी करना है फायरमैन का तो करंट अफेयर हिंदी एग्जाम टूर चैनल पर चलाया जाएगा, इससे भी आप देखकर अपना एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद सामान्य विज्ञान भी चलेगा और सामाजिक ज्ञान भी चलेगा, अर्थात सभी पाठ्यक्रम की तैयारी एग्जाम टूर चैनल के माध्यम से होगी। आप इस चैनल पर जुड़कर लाभ उठा सकते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। बहुत बहुत